हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी बज रहे सुबह के 6:10 और मैं भाई बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल रेडी, और भाई अर्जेंट मेरे को जाना पड़ रहा है टॉक। तो मैं देखो भाई बिल्कुल गलियों में अंधेरा है, कोई भी नहीं है कोई भी। और मैं ना प्लेस लाके ना ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अंधेरा हो रहा तो मैं मतलब अच्छे से क्वालिटी नहीं आ रही, इसलिए प्लेस जला के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो भाई अभी जाएंगे टोंक के लिए, पहले जाएंगे कैसर चौरा है, फिर दुर्गापुर के लिए बैठेंगे, फिर बस में बैठ के टोंक। तो भाई दिखाते हैं आपको क्या है, क्यों अर्जेंट जाना पड़ रहा है। तो अभी तो देखो मैं जा रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट से, बिल्कुल भी लेट ना हूँ, और ऐसा क्वालिटी थोड़ी कम आएगी क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। लगभग 6:05 हुई है, इसलिए ज़्यादा उजाला तो है नहीं। जैसे नैने का विजयपथ वेट कर रहा था और एकदम से नैने मेरे सिर के आगे आ गई भाई, इतना डर लगा खतरनाक वाला। और भाई मैं वैसे अंदर आ गया और मेरे को सीट वीट मिल गई, मैं सबके सामने ना कैमरा ऑन करके ब्लॉग बना रहा हूँ। तो देखो टिकट विकेट कट रहे हैं और मैं कैमरा मतलब सामने कैमरा ऑन मेरा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं टॉक, और जस्ट मेरे को 1.5 घंटे बस ने उतार दिया, मतलब मैं भी टॉक बस स्टैंड पे हूं। तो यहां से देखेंगे सेंटर, LDC का सेंटर मतलब हाई कोर्ट का, फिर जाएंगे सेंटर पे। अभी मतलब मैं कुछ खा के नहीं आया, तो पहले कुछ खाएंगे फिर सेंटर पे जाएंगे। तो ये है टोंक का बस स्टैंड। तो बस आज तो भीड़ बहुत कम है वैसे LDC में। एडमिट कार्ड भी नहीं निकलाया था, एडमिट कार्ड निकलाते पहले। फाइनली एडमिट कार्ड भी निकला लिया है। तो गाइस सेंटर पे जाने से पहले ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं आया, तो अगर मैं भूखा रहूँगा तो ऐसे उल्टी उल्टी का मन हो जाएगा, इसलिए कुछ खाएंगे पहले और फिर सेंटर पे जाएंगे। तो ये बिल्कुल चोरा है, खाना भी बहुत जरूरी, इसलिए चलो कचरे की दुकान पर। और भाई फाइनली मैंने कचौरी उचौरी खाने के बाद फिर ई रिक्शा पकड़ के मैं जाने लगा सेंटर पे, और भाई ई रिक्शे वाले ने मांगे मेरे से 30 रुपये, तो मैंने 20 रुपये में उसको राजी करके अपने सेंटर पे जा रहा हूँ। और भाई बीच रास्ते में मेरे को मिली एक मस्जिद और लोगों की ढेर सारी भीड़, जो सब पेपर देने आए थे अधिकतर। तो भाई मस्त है ना माहौल, ख़तरनाक हो रहा है, ई रिक्शे हो रहे मस्त। तो शायद मैं पहुँचने वाला हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी टाइमलेस वीडियो बनाई जाए, फिर टाइमलेस वीडियो बनाने लगा। तो पानी पीने जा रहा हूँ मैं, ये है मेरी कोठी नातम स्कूल से। और भाई कुछ देर मैं अंदर रुका, फिर मेरे को बोरिंग हो रहा था, मतलब 1-1.5 घंटा बाकी था, तो मैं खेल मैदान में आ गया। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, संडे था ना, तो देखो बच्चे भाग रहे खतरनाक तरीके से। भाई मन तो कर रहा था क्रिकेट खेलने का, लेकिन नहीं खेल सकते, पेपर देने आए हैं, खेलेंगे। और भाई अब टाइम हो रहा था लगभग 2:30 बज रहे थे, और मैं पेपर वेपर देकर आ गया, पेपर अच्छा गया मस्त। और भाई आके देखा तो बस स्टैंड पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, खतरनाक वाली। देखो पुलिस वुलिस ना हो तो पंगे हो जाए। तो फिर मैं थोड़ी देर भीड़ देखने लगा, और जिस बस में मेरे को बैठनी थी उसी में इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो फिर मैं मस्त भीड़ देख रहा था, फिर सोचा कि ये भीड़ कम हो जाए फिर बस में बैठेंगे, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी भाई। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे हिंदुओं को उठा ले। हे गाइस, तो फाइनली मैं वापस पहुंच गया हूँ जयपुर, और आज का टूर तो बड़ा कमाल का रहा, जयपुर से टोंक, और फिर टोंक में फेमस मोटू पतलू के समोसे खाकर भाई मज़ा आ गया। तो अभी मैं पहुंच गया लगभग केसर चौराहे के पास। तो भाई बिल्कुल मैंने ना आज रोटी वोटी नहीं खाई, बिल्कुल भी पेट में रोटी नहीं है। सो गाइस अभी तक ना मैंने ना 3 लोगों से लिफ्ट मांगी है कि केसर चौराहे तक छोड़ दो, और तीनों में से किसी ने भाई मेरे को लिफ्ट नहीं दी। तो लोग ना बहुत पापी हो गए भाई,
मैं तो ना, मेरे को कोई बोलता नहीं कि लिफ्ट दे, तो मैं दे देता हूँ यार ऐसे ही, चलो सिचुएशन समझ के। लेकिन शेर वाले सिचुएशन नहीं समझते, तो जो लिफ्ट जो हेल्प करे ना उसकी हेल्प क्या करो, जो नहीं करे ना उसको मत क्या करो। मैं आगे से किसी को लिफ्ट नहीं देने वाला भाई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बा। तो चलो मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, जब के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई ऐसे व्लॉग देखने के लिए। और कमेंट में बताया करो कि व्लॉग अच्छे नहीं है बुरे है, कमेंट में बता दिया करो सब कुछ यार। चलो मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 260,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन